त्राहिमा मेरे भाइयों और उनकी फीमेल वर्जनों, स्वागत हम सभी का और एक नए वीडियो में। वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि पोकेमॉन एमराल्ड वर्जन को सिर्फ और सिर्फ एक स्वैंपर्ड से बीट कर दूं, या आई नो कि भाई ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट या आई विल ट्राई। चलो भाई तो फिर रूल सुन लो, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आइटम्स बैटल के दौरान यूज़ नहीं कर सकता। HM पोकेमॉन हाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ, TMs भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, हालांकि मैंने यूज़ नहीं किए हैं। अगर इसी के साथ साथ अगर तुमने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है तो भाई फटाक से कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बट वीडियो देखने के बाद ज्वाइन करना। मैं वहाँ डिस्कॉर्ड मेंबर्स के साथ में पोकेमॉन शोडाउन बैटल करता रहता हूँ। कर लो भाई, अगर तुमको पोकेमॉन शोडाउन में मेरे साथ बैटल करनी है तो लेट्स एम 500 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। तो यहाँ लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। तो यहाँ अपनी जर्नी स्टार्ट होती है खुद का नाम देने से। तो मैं अपना नाम बस मडी एश दे देता हूँ, बस पता नहीं क्यों बस दे देता हूँ यार। फिर मैं जाता हूँ मेकी कमरे में, जो कि मुझे धक्का मार के भगा देती है। फिर मैं एक स्टार्टर यूज़ करता हूँ, जो कि ऑफकोर्स एक मटकेप होता है। उसके बाद मैं रेवल फाइट करता हूँ, जो कि मैं टैगल स्पैम करके जीत जाता हूँ। भाई पूछो मत कैसे, बस जीत जाता हूँ। बट उसके बाद मैं जाता हूँ प्रोफेसर के पास में, जो कि मुझे पोके डेक्स देते हैं, और अब मैं पोके डेक्स ले लेता हूँ और सीधा अपने इन गेम डैड के पास में जाता हूँ, जो कि मुझे अपने चमचे के द्वारा यप एक पोकेमॉन पकड़ना सिखाते हैं। जब मैं पोकेमॉन पकड़ना सीख जाता हूँ तो मैं आता हूँ अपने पहले जिम बैटल करने के लिए, जो कि ऑफकोर्स पूरी की पूरी मेरे एडवांटेज में थी। तो मैं जियोडूट को एक वाटर गन मारता हूँ, दूसरे जियोडूट को दूसरी वाटर गन मार के कर देता हूँ ख़त्म। और उसके बाद आता है नोज पैस, जो कि मुझे एक ब्लॉक हिट करता है। और बाद में भाई उसके पास ऑरेंज बेरी होती है, प्लस वो पोशन भी यूज़ कर लेता है। बट स्टिल यार वीकनेस तो वीकनेस है, तो वो हार्डन यूज़ करता है। हालांकि मैंने एक मर्ज स्लैप किया, उसकी एक्यूरेसी कम कर दी, और वापस मर्ज स्लैप किया, फिर मैंने उसको वाटर गन किया, बट यार ये वाला वाटर गन क्रिटिकल लग जाता है और वो हो जाता है फेंट। तो ऐसे ही मैं अपना पहला बैच जीत लेता हूँ और मेरा इवॉल्व हो जाता है मार्स टॉम्प में। के बाद मैं जाता हूँ विंगल को टीम एक्वा से बचाने, जो कि किडनैप हो चुकी होती है। उसके बाद मैं टीम एक्वा से बैटल करता हूँ, जो कि पूछियाना भेजता है, और मैं उसको एक वाटर गन मार के कर देता हूँ फिनिश। बट वो रेड हेल्थ में हो जाता है, बट या टैकल खा के तो हो ही जाता है फिनिश, हालांकि मैं पैरालाइज हो ही गया हूँ। बट उसके बाद मैं उस विंगल को उसके ओनर को दे देता हूँ, और जो ओनर होता है उसका वो सेलर होता है, जो कि मुझे एक आइलैंड में ड्रॉप करता है, हालांकि काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद। बाद में आता हूँ स्टीवन के पास में, जो कि ऑफकोर्स हमेशा की तरह TM-47 देके निकल लेता है यहाँ से। तो मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ और आता हूँ जिम बैटल करने। वो भेजता है मार्च चॉप और मैं उसको एक मर्ड शॉट मारता हूँ। वो मुझे कराटे चॉप मारता है, लेकिन मेरा मर्ड शॉट क्रिटिकल था और वो हो जाता है फेंट। पर उसके बाद वो भेजता है मेडिडेट, एक मर्ड शॉट मारता हूँ, वो सुपर पोशन यूज़ करता है, और दूसरे मर्ड शॉट से उसकी स्पीड कम हो जाती है, और तीसरे में वो हो जाता है फिनिश। बट उसके बाद वो भेजते हैं माकुहिटा को, जो कि बल्क अप मारता है, बट मेरे नेक्स्ट मर्ड शॉट में वो हो जाता है येलो हेल्थ, और तीसरे मर्ड शॉट में हो जाता है फिनिश। इसी के साथ साथ भाई मैं नकल बैच भी जीत लेता हूँ और आता हूँ टीम एक्वा से पंगे काटने। भाई 10 साल का बच्चा टीम एक्वा से पंगे काट रहा है, भाई भर देंगे मुझे, बट यहाँ पे तो भाई मैं ही उनको भर रहा होता हूँ। हालांकि मैंने इन दोनों ग्रंट्स को हरा दिया रहता है, ग्रंट्स बोले तो सुअर के बच्चे, तो हाँ मैंने उन सभी को हरा दिया रहता है, ऑफकोर्स सबको स्मैश कर दिया रहता है। इसके बाद भाई मैं आती हूँ मुझसे बैटल करने के लिए, जो कि सबसे पहले विंगल को भेजती है, मैं उसको 2 टैकल मार के कर देता हूँ फिनिश। बट उसके बाद ग्रोवाइल आता है, जो कि ये अब मुझे एक एब्जॉर्ब मारता है, बट अब मेरे पास टैक्टिक थी बहुत ख़तरनाक वाली, मैं उसको मड स्लैप मारता हूँ, जो कि एक्यूरेसी कम कर देती है और उसके काफ़ी सारे मूव मिस हो जाते हैं। सो मुझे उसको ख़त्म करने का मौका मिल गया था और मैं उसको ख़त्म कर भी देता हूँ। बट उसके बाद वो स्लगमा भेजती है, जो कि यॉन मारता है, बट वो किसी काम का नहीं था, और वो मेरे एक मड शॉट में हो जाता है फिनिश। उसके बाद में भाई एकदम तुरंत से पहले जिम बैटल करने जाता हूँ, बट या चमचे भाई खड़े थे, जो कि मुझसे ऑफकोर्स बैटल करते हैं, मैं उसको रेड्स का एक मर्चुअर मार कर देता हूँ फिनिश। बट उसके बाद मैं सीधा घुसता हूँ जिम बैटल की ओर, जो कि एक इलेक्ट्रिक जिम था, और या मेरे पास भाई खतरनाक वाला एडवांटेज था, वो था ग्राउंड टाइप होने का।
तो वो सबसे पहले एक वोल्टॉप भेजता है, मैं उसको एक मड स्लैप मारता हूँ, वो मुझे रोल आउट मारता है और मेरे और एक मड स्लैप में हो जाता है फिनिश। फिर वो इलेक्ट्राइक भेजता है, मैं उसको एक मड शॉट मारता हूँ जो कि वो ऑफकोर्स यार 1 हिट KO था। तो उसके बाद वो नेक्स्ट पोकेमोन जो भेजता है वो होता है मैग्नेटॉन, जो कि एक मड शॉट में वो जो हो जाता है फिनिश। बट उसके बाद वो मैनेक्ट्रिक को भेजता है जो कि ऑफकोर्स 1 हिट तो नहीं हो पाता यार, 1 HP रह जाता है, बट नेक्स्ट हिट में वो भी हो जाता है फिनिश। एकदम ईजी पीजी जिम बैटल। थोड़ी रैंडम बैटल के बाद मेरा मास्टॉम भी स्वैम्पट में इवॉल्व हो जाता है। अब हम इस चैलेंज को नाम दे सकते हैं कि भाई हम स्वैम्पट ओनली चैलेंज कर रहे हैं। बट उसके बाद मैं वापस से दोनों भाई ग्रंट के बीच में घुस के पंगे काट रहा था, जो कि महंगा पड़ने वाला था, ऑफकोर्स पड़ने वाला था। बट उसके बाद मैं टीम मैग्मा के भाई साक्षात डायरेक्टर से बैटल करता हूँ, डायरेक्टर या हेड बोल सकते हो तुम, बट वो माइटियाना सेंड करता है जिसको कि मैं दो वाटर गन में फिनिश कर देता हूँ। उसका एक जूबैट था जिसको क्रिटिकल मार दिया, और कॉमेरप्ट जो कि ऑफकोर्स मड शॉट से हो जाता है फिनिश। उसके बाद टीम एक्वा का लीडर आता है और मैं यहाँ से एक मेच्योरॉइट लेता हूँ और सीधा आता हूँ और एक जिम बैटल करने। और एक इजी पीजी जिम बैटल होने वाली थी क्योंकि मेरे पास स्वैम्पट था और जो जिम बैटल थी वो भाई पूरी की पूरी फायर टाइप से भर रखी थी, और मेरे पास भाई एडवांटेज था। तुम देख सकते हो कैसे मैं उसके हर एक पोकेमोन को 1 हिट कर रहा हूँ, बट उसका लास्ट पोकेमोन टॉर्कोल रहता है जो कि 1 हिट नहीं हो पाता। हालाँकि वो हाइपर पोशन यूज़ करता है, मैं वाटर गन मारता हूँ और मड शॉट में हो जाता है फिनिश। इससे भाई इजी पीजी जिम बैटल भाई आज तक नहीं करी मैंने। उनसे बाहर निकलने के बाद में मुझे गो गॉगल्स देती है, उसके बाद मैं जाता हूँ अपने इन गेम डैड से बैटल करने, क्योंकि एक नॉर्मल जिम टाइप बैटल था। तो मेरे डैड सबसे पहले भेजते स्पिंडा, मैं वाटर गन 2 बार मार के उसको कर देता हूँ ख़त्म। बट उसके बाद आता है विगरोथ जो कि 1 हिट में हो जाता है ख़त्म। बट उसके बाद भाई लाइनून आता है जो कि मुझे एक फैकेट मारता है, और उसके बाद हाइपर पोशन भी यूज़ करता है बट और एक मडी वाटर में वो भी हो जाता है फिनिश। बट उसके बाद स्लैकिंग आता है जो कि भाई बहुत बल्कि था, जो कि भाई 3-4 मडी वाटर खाता है पेंट होने के लिए, बट हाइपर पोशन भी यूज़ कर लेता है, बट समहाउ एक मड शॉट में वो भी हो जाता है फिनिश, और हम ऐसे ही अपना बैलेंस बैच जीत लेते हैं। बट उसके बाद यार ये लोग मुझे पता नहीं कैस्ट फॉर्म दे देते हैं, इनकी हेल्प करता हूँ ना मैं। यहाँ से जैसे मैं बाहर निकलता हूँ और एक में से बैटल होती है। अब अगर मैं तुमको अगर एक बात सच बताऊँ तो भाई इसमें ना ऐसी बहुत सारी बैटल्स हुई हैं जिसमें मैं हारा हूँ, बट यहाँ मैंने वो बैटल्स दिखाई नहीं है सोच के कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यार मैंने डिसाइड यही किया था कि मैं जो बैटल्स में हारा हूँ वो मैं सीन्स नहीं दिखाऊंगा, सीधा वही सीन्स दिखाऊंगा जो जहाँ मैं जीता हूँ, और वो मैं दिखा भी रहा हूँ, और ऐसे यार ये वीडियो मतलब काफ़ी सही बन सकती है। हालांकि मैं यहाँ पे मे को भी हरा देता हूँ, और मैं यहाँ पे मुझे स्टीवन एक आइटम देता है जिसका नाम होता है डेवन स्कोप, जिससे मैं कैकलियन को भाई आराम से देख सकता हूँ। पर उसके बाद मैं आता हूँ सीधा नेक्स्ट जिम में। हाँ, सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस पूरे चैलेंज वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो ग्रास टाइप है ना भाई, वही दिक्कत देगा मुझे, क्योंकि ग्रास टाइप आर 2 times सुपर इफेक्टिव ऑन मी। बट हालांकि यहाँ पे जो जिम बैटल चल रही होती है उसको मैं काफ़ी दिक्कत परेशानी के साथ साथ जीत तो लेता हूँ, बट यार क्या ही बताऊँ, बस जीत लेता हूँ वही काफ़ी है। तो जैसे मैं फैदर बैच जीत लेता हूँ उसके बाद मैं आता हूँ सीधा मे से बैटल करने। बट इस बार मे के पास एक ट्रॉपियस था जिसके पास मैजिकल लीव था जो कि भाई कभी मिस ही नहीं हो सकता था। बट मैं जैसे तैसे उसको हरा देता हूँ, उसके बाद वो ग्रोवाइल भेजते हैं जो कि 2 सर्फ भी नहीं झेल पाता और हो जाता है ख़त्म। उसके बाद उसका पहले पर आता है और ऐसे ही वो भी हो जाता है फिनिश। उसके बाद भाई पता नहीं कहाँ बैटल करने के बाद में उड़ जाती है और भाई मेरे को अकेले जाना पड़ता है टीम मैग्मा से बैटल करने। यहाँ पे ग्रूडोन आ चुका रहता है, और हालांकि मैंने उसके माइटियाना क्रोबैट और यहाँ तक कैमर रप्ट को भी 1 हिट कर देता हूँ और बहुत इजी पीजी जिम बैटल जीत लेता हूँ। बाद बैटल होती है मेरी सबसे हार्डेस्ट
जिम के अंदर। और भाई मैं इसको इसीलिए हार्डेस्ट बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इसने लिटरली 20 to 30 अटेम्प्ट्स लिए थे एक सिंगल जिम को हराने के लिए। एंड या ये अब तक इस गेम का सबसे हाईएस्ट स्कोर है किसी जिम को ऐसा हराना। बट यार मैं यहाँ पे जो मैं हमेशा हमेशा 1v2 बैटल करता हूँ, मैं हमेशा सर्फ मारता हूँ एक्चुअली, या लिटरली हमेशा। बट यार उसका रॉक टाइप था, बट स्टिल यार वो साइकिक भी था तो उस पर उतना इफेक्टिव हुआ नहीं। बट रेड हेल्थ होने के बाद भी भाई यार ये दोनों ही हाइपर पोशन यूज़ करते हैं, मैं उनको फिर रेड हेल्थ में लाता हूँ और काम माइंड वगैरह वगैरह यूज़ कर करके फिर मुझे परेशान कर देते हैं। बट इस बार मैं उसके हर एक पोकेमॉन को जैसे तैसे हरा देता हूँ, और उसका लास्ट पोकेमॉन भी 1 hit KO था। और या मैं ऐसे माइंड मैच जीत लेता हूँ इजी तरीके से। या सो 7th जिम जीतने के बाद हम मुझे याद आता है कि हाँ भाई, जब ग्रूडॉन को बचा लिया, अब कायोगर को तो भी बचाना पड़ेगा। तो भाई मैं फटैक से कायोगर को बचाने आता हूँ, जहाँ पे भाई उसका जो टीम एक्वा का जो लीडर रहता है वो मेरे से बैटल कर लेता है। तो हालांकि मैं उसके सारे पोकेमॉन को जैसे तैसे हरा देता हूँ, उसके एक शार्पीडो भी बचा रहता है जो कि एक अर्थक्वेक में हो जाता है फिनिश, और उसके बाद वो भाई निकल लेते हैं। हालांकि कायोकर भी निकल लेता है, निकल के भाई वो जाने भी कहाँ वाले थे, एक ख़तरनाक लीजेंडरी बैटल करने जो कि भाई इस पूरे अर्थ को तबाह करने वाली थी। बट जैसे भाई वो बैटल कर रहे रहते हैं, मेरे को एक मिशन पर भेजा जाता है जो कि था रेक्वाजा को बुलाने का। मैं भाई एक अच्छे बच्चे की तरह, 10 साल के बच्चे अच्छे बच्चे की तरह रेक्वाजा को बुला के ले आता हूँ, जो कि इन दोनों की बैटल रोक देता है। जैसे इन दोनों की बैटल ख़त्म हो जाती है और मुझे मौका मिलता है अपना लास्ट जिम बैच जीतने का, जो कि इजी तो बिल्कुल ही नहीं था बल्कि बहुत ज़्यादा ईजी था। तो देखो ये कैसे स्टार्ट हुआ, उसने सबसे पहले लव डिस्क भेजा जिसको मैंने एक अर्थक्वेक मार दिया, उसके बाद विस्कैश आया जो कि एक अर्थक्वेक में भी हो जाता है फिनिश, बट उसके बाद आया CLU जो कि एक अर्थक्वेक भी नहीं झेल पाया और हो जाता है फिनिश, उसके बाद आता है क्रॉडंट जो कि एक अर्थक्वेक वो भी क्रिटिकल से हो जाता है 1 hit KO, और उसका होता है लास्ट पोकेमॉन किंट्रा जो कि एक अर्थक्वेक में भी हो जाता है फिनिश। भाई ये ना लेजिट, एकदम लेजिट वाली बैटल थी, एकदम ख़तरनाक इजी पीजी। उसके बाद भाई जिम लीडर मुझे कुछ TM देता है जो कि ऑफ कोर्स एक वाटरफॉल होता है, मैं वो चुपचाप ले लेता हूँ, और मैं चुपचाप आ जाता भाई एलाइट फोर्स से बैटल करने के लिए पोकेमॉन लीग के अंदर। जो मेरी जो पहली फाइट रहती है वो पता नहीं किसके साथ में रहती है, उसका नाम मैं एक्चुअली भूल गया, प्लीज़ कमेंट में मत बोलना इसका नाम एक्चुअली। तो वो सबसे पहले एक माइटियानो को भेजता है, मैं उसको एक सर्फ मारता हूँ और जो कि उस पर 1 hit KO होता है। उसके बाद वो भेजता है कैक्टर्न को, तो मैं उसको अर्थक्वेक मारता हूँ जो कि लकीली क्रिटिकल लग जाता है और वो हो जाता है 1 hit KO। बट उसके बाद वो शिफ्ट ट्राई को भेजता है या शिफ्ट ट्री जो कि एक डबल टीम मारता है, और मेरा अर्थक्वेक भी उस पर उतना कुछ इफेक्टिव नहीं होता। बट उसके बाद वो स्वैगर भी मार देता है, तो भाई मैं सोचने लग गया था कि मैं क्या मर, बट उससे पहले मुझे स्वैगर मारता है, उसके बाद भाई खुद की हेल्थ भी बढ़ा लेता है। उसके बाद भाई ये दिक्कत ख़त्म नहीं होती कि वो 2 बार डबल टीम मार लेता है, हालांकि मेरा जो सैम्पट था वो मिस नहीं करता मूव, और मैं भी उसको एक मड स्लैप मारता हूँ जो कि उसकी एक्यूरेसी फेल कर देता है और वो कुछ अपने हिट्स मूव मिस कर देता है, और मेरे को एक्स्ट्रा सेंसरी मारता है। बट उसके बाद वो टॉर्मेंट मारता है और मैं एक अर्थक्वेक मारता हूँ जो कि मिस हो जाता है, और उसके बाद वो टॉर्मेंट मारता है जिससे कि मैं एक मूव बार बार यूज़ नहीं कर पाता, तो मैं सर्फ मारता हूँ जो कि मिस हो जाता है, और उसके बाद अर्थक्वेक में नेक्स्ट अर्थक्वेक में एक्चुअली हो जाता है फिनिश। बट उसके बाद वो क्रोडॉन भेजता है जिसको कि मैं एक सर्फ मारता हूँ जो कि उसको येलो हेल्थ पे छोड़ देती है, और मेरे नेक्स्ट अर्थक्वेक में वो भी हो जाता है फिनिश। उसका लास्ट पोकेमॉन होता है एब्जोल जो कि एक इजी पीजी 1 hit था मेरे सर्फ से। उसके बाद भाई जैसे मैं इससे बैटल जीत लेता हूँ, उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ अपने नेक्स्ट बैटल करने के लिए ताकि मैं और भी बैटल्स कर लूँ और जीत जाऊँ। बट यहाँ पे वो सबसे पहले डस्कलॉप्स को भेजती है, मैं उसको एक 1 hit KO सर्फ मार देता हूँ, उसके बैनाइट को भी मैं एक 1 hit KO मार देता हूँ, उसके सैबल आई को भी एक 1 hit मार देता हूँ, और दूसरा बैनाइट भी एक 1 hit KO था, और उसका लास्ट पोकेमॉन डस्कलॉप जो कि 1 hit नहीं होता बट या एक वाटर गन खा के
वो मुझे लिटरली 2 HP पे छोड़ देता है, मेरी यहाँ पे फट गई थी। तो उसके बाद मैंने पैनिक होकर के कोई भी बूम मार दिया, बट या मैंने लास्ट में थोड़ा सोच के अर्थक्वेक मारा, जो कि उसको 1 HP नहीं करता, बट या मैं जैसे तैसे हरा देता हूँ उसे। बट उसके बाद मैं जाता हूँ और एक फ़ाइट करने, एलाइट 4 वाली फ़ाइट। तो यहाँ पे कुछ बैटल ऐसे स्टार्ट होते हैं, वो सेल्यूलर पता नहीं इसका नाम क्या था, वो भेजता है, वो भी 1 HP था, ग्लेली भी 1 HP था। उसके बाद वो वापस सेल्यूलर को भेजता है, जो कि ऑफकोर्स 1 HP था। उसके बाद ग्लेली भी 1 HP था। आई डोंट नो ये भेजी क्यों रही है जबकि इसको 1 HP होना है तो। बट उसके बाद उसका वॉलेरियन आता है, जो कि मेरे एक अर्थक्वेक को जैसे जैसे झेल लेता है। बट उसके बाद नेक्स्ट अर्थक्वेक ऑफकोर्स उस पर भारी पड़ता है। फिर जैसे ही मेरी इससे बैटल ख़त्म होती है, तो मैं जाता हूँ एक अपनी लास्ट बैटल करने, एलाइट 4 की लास्ट बैटल, जो कि ड्रैगन बैटल होती है। तो मैं उसके शेलगॉन को कुछ एक गिनती के एक अर्थक्वेक से फिनिश कर देता हूँ। बट उसके बाद वो अल्टीरिया को भेजता है, जिसको कि मेरा एक लास्ट वाला सर्व क्रिटिकल लग जाता है, और भाई जैसे तैसे मैं उसको हरा देता हूँ। उसके बाद मेरा एक अर्थक्वेक भी क्रिटिकल लग जाता है, भाई लक, इट्स ऑल अबाउट लक। उसके बाद वो फ्लाइगन भेजता है, जो कि एक सर्फ में वो भी क्रिटिकल लगता है और वो फेंट हो जाता है। बट उसके बाद वो सेलेमेंस भेजता है, जो कि मुझे ड्रैगन ग्लॉ मारता है, तो वो भी 3 बार, बट दूसरे सर्फ में वो हो जाता है फिनिश। अब जो मेरी आखिरी बैटल थी, वो जिसको मैं तब से चमचा कह रहा था मेरी आखिरी बैटल, उसी के साथ थी। एक्चुअली नॉट, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, तो भाई वो जो मेरा आखिरी जो बैटलर रहता है, वो विलॉट को भेजता है, जो कि ऑफ कोर्स एक इजी पीजी अर्थक्वेक से रेड हेल्थ वाला पोकेमोन था। तो उसके बाद वो स्विच कर देता है ल्यूडिकुलो में। मैं उसको एक अर्थक्वेक मारता हूँ, जो कि उसको पेंट कर देता है। लेकिन उसके बाद वो भाई वापस विलॉट भेजता है, जिसको कि मैं सर्फ मार देता हूँ, जो कि उसको पेंट ही कर देता है, एकदम ख़त्म कर देता है। बट उसके बाद वो टेंटाक्रूल भेजता है, जो कि वो भी एक अर्थक्वेक से 1 HP था। बट उसके बाद वो स्कैश भेजता है, जो कि ऑफ कोर्स एक अर्थक्वेक उस पर सुपर इफेक्टिव था, बट या वो फुल रिस्टोर मारता है। हालांकि मैं उसको 1 HP वापस कर देता हूँ, वापस फुल रिस्टोर यूज़ करता है, मैं वापस उसको रेड हेल्थ कर देता हूँ, और नेक्स्ट मूव क्रिटिकल लग जाता है उसे। यहाँ पर गैराडोस वो भेजता है, जिसको कि मैं दो लिटरली 2 मूव मारता हूँ सर्फ के, वो भी एकदम क्रिटिकल। बिलीव नहीं होता ना, मुझे भी नहीं हुआ था। बट वो माइलोटिक को भेजता है, जिसको कि मैं 1 बार अर्थक्वेक मारता हूँ और वो मुझे टॉक्सिक मारती है। उसके बाद वो उसके पास कुछ सिट्रस बेरी होती है, वो खुद को हील करती है, और मैं उसको इजी पीजी और एक अर्थक्वेक मार के कर देता हूँ फेंट। और इसी के साथ साथ भाई हमने एलाइट 4 को भी हरा दिया रहता है। अब यप, मैंने इस गेम को बीट कर दिया। इसी के साथ साथ डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, इस वीडियो का लाइक एम पूरा कर दो। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट, और वीडियो की सजेशन दे देना कमेंट सेक्शन में।